कोरोना काल के 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस बार कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार शिव भक्तों की आस्था और भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी है। जहां हर भक्त अपने अपने अंदाज में भोले की भक्ति में लीन है, ऐसी ही आस्था के साथ बुलंदशहर निवासी दो भाई अपने दिव्यांग भाई और माँ के लिए श्रवण कुमार बने। दोनों भाई अपनी माँ और भाई को पालकी में कांवड़ यात्रा करवाकर सेवा करने का संदेश दे रहे हैं। बता दें कि 11 जुलाई को हर की पैड़ी में गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल भरकर पालकी में दिव्यांग भाई और अपनी वृद्ध माँ को उसमें बैठाया। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपने दिव्यांग भाई और माँ को पालकी से कंधे पर उठाकर हरिद्वार से बुलंदशहर तक की यात्रा करवाई। आपको बता दें कि हरिद्वार से बुलंदशहर की दूरी 250 किलोमीटर है, लेकिन भगवान शंकर के प्रति दोनों भाइयों की आस्था ने दिव्यांग भाई और बूढ़ी माँ की सेवा का संदेश दिया। दोनों भाइयों का कहना है कि वह इस साल दूसरी बार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। भोले, ये मैंने एक जब मैं यहाँ पहली बार आया था कांवड़ लेने, तो मैंने एक हरियाणा का लड़का देखा था लाता हुआ, अपने माँ बापा को नहा के ले जा रहा था वो, तो मुझ में भी फिर जुनून जागा। फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूँ जैसा उस भोले ने करा, मैं भी ऐसे ही करूं जैसे मैं भोले पहल की कोबल ले गया था। मैं सोच रहा कि और भी कोई ले जाए, लेकिन अभी तक तो कोई लेकर नहीं गया। हमारे भाई जी, मैं उनको साथ कांवर लेकर जा रहा हूं। ठीक है जी भोले, हम हर की पैड़ी से उठाइए कांवर सीधे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर।